हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैलाश चौधरी ने उठाया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के सामने स्थानीय रोजगार और सीएसआर से विकास कार्य का मुद्दा। बाड़मेर से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर कैलाश चौधरी ने की रिफाइनरी में स्थानीय रोजगार और सीएसआर फंड से विकास कार्यों की मांग। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं बाड़मेर जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में बाड़मेर से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में निर्माणाधीन रिफाइनरी और तेल व गैस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग रखी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से संसदीय क्षेत्र बाड़मेर में निर्माणाधीन रिफाइनरी और तेल व गैस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को लेकर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही कैलाश चौधरी ने रिफाइनरी क्षेत्र में HPCL द्वारा CSR फंड के तहत अस्पताल और विद्यालयों के जल्द निर्माण करने को लेकर भी अनुरोध किया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात कही। कैलाश चौधरी ने हरदीप सिंह पुरी को बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले रोजगार पर स्थानीय लोगों का हक है, जबकि कंपनियां बाहरी लोगों को रोजगार दे रही हैं और स्थानीय युवक बेरोजगार बैठे हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर और उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाए, जो उनका हक है। हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया कि स्थानीय लोगों रोजगार दिलाने को लेकर प्रयास किया जाएगा। सीएसआर फंड में बढ़ाए जाए पारदर्शिता की सख्ती। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बताया कि संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों की मांग है और कोरोना महामारी के दौरान जैसी आवश्यकता महसूस की गई, उसके अनुपात में आपूर्ति का अभाव है। इन कमियों और अभावों को देखते हुए ये लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए रिफाइनरी व अन्य प्लांट्स में काम कर रही HPCL सहित बड़ी कंपनियों के CSR फंड में ज्यादा पारदर्शिता और सख्ती बढ़ाई जाए। देश इन दिनों महामारी से जूझ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के निर्माण में भी इन कंपनियों के CSR फंड से बड़ी सहायता मिल सकती है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।